नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं वसीम खत्री और स्वागत करता हूं आपका एक और दिलचस्प स्टोरी टेलिंग सीरीज में। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं मानव कौल की नई किताब कतरने में से कुछ खास कहानियां और किस्से। अगर आपको स्टोरीज पसंद है तो आप ये सफर जरूर एंजॉय करेंगे। हम वहीं बैठे थे, उसी पेड़ के नीचे वाली चाय की दुकान पर, जाती हुई पतझड़ और आती हुई ठंड के बीच। यही वो जगह थी जहां हम मिला करते थे और चाय की चुस्कियां लेते हुए घंटों बतियाते रहते थे। यही हमारा अड्डा था। कई बार यहीं बैठकर हमने अपने भविष्य की धुंध को मिटाकर उसे अपने सामने नाचता हुआ पाया था। क्या हम इतनी मीठी चाय पिया करते थे? उसने कहा। और दूध भी कुछ ज्यादा ही है, मैंने कहा। पर स्वाद अभी भी जाना पहचाना है। हाँ, पर अब ये चाय पीना थोड़ा, उसने अपना वाक्य पूरा नहीं किया। हमने यही तय किया था कि जहां मिला करते थे वहीं मिलेंगे, इतने सालों बाद उसी जगह। जगह वही थी पर हम वैसे नहीं रह गए थे। मैं भी अपनी आधी पी हुई चाय को देखने लगा। चाय सच में पीते नहीं बन रही थी। हम कुछ देर आते जाते लोगों को देखते रहे। हमने कितनी दोपहरें इसी पेड़ के नीचे बिताई थी। अब सोचता हूं तो लगता है कि क्या बातें करते थे हम दोनों। सच में हर बार जाते जाते तक हम दोनों के पास कुछ ना कुछ कहने को होता था। और जब मैं घर पहुंचती थी तो याद आता था कि कहना तो रह ही गया। हम दोनों इस बात पर देर तक हंसते रहे। मैं उसके माथे पर पसीने की बूंदों का जमा होना देख सकता था। मैंने अपनी जेब से रुमाल निकालकर उसे दिया। न उसकी चाय खत्म हो रही थी और ना ही मेरी, पर हम दोनों ने अपनी आधी बची ठंडी होती चाय को कसकर अपने हाथों में पकड़ रखा था। कुछ देर बाद उसने अपनी बची चाय को फेंका और ग्लास वापस चाय वाले को दे दिया। मैंने एक झटके में अपनी बची हुई चाय को घटक लिया। ग्लास के वापस देते ही मैं अपने खाली हाथों को लेकर असहज हो रहा था कि इनका क्या करूं। अभी तक तो ग्लास को पकड़ रखा था इन्होंने, अब पकड़ने के लिए हम दोनों के पास कुछ नहीं बचा था। हम दोनों के हाथ खाली थे और कहने को भी कुछ नहीं बचा था। सो हम दोनों उठे और सड़क पार करने लगे। आती जाती गाड़ियों के बीच मैं उसका हाथ पकड़ना चाह रहा था। तब तक उसने अपने बैग से फोन निकाल लिया था। ठीक है तो मैं चलती हूं, सड़क पार करते ही उसने कहा। ठीक है। फिर हम एक दूसरे को अजीब सी सांत्वना भरी मुस्कुराहट से देखते रहे। ना तो हम गले लगे और ना ही हमने हाथ ही आगे बढ़ाया। मुझे मेरे भीतर चाय की आखिरी घूंट को जबरदस्ती घटक लेने की असहजता महसूस हो रही थी और उसका चेहरा पसीने से चमक रहा था। उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा और मैंने उसके कंधे को थपथपाया। वो अपनी गाड़ी की तरफ निकल गई और मैं सामने खड़ी रिक्शा में बैठ गया।